आप सब, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी रिग्रेट बाइंग, एंड ये मेरी रिग्रेट बाइंग का एपिसोड 3 है 6 नहीं 3 है। या हो सकता है आपके लिए ये प्रोडक्ट्स काम किए हो, बट मेरे लिए इन प्रोडक्ट्स ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ पैसा बर्बाद किया और वक्त बर्बाद किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। एंड या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट मूव इन और इंट्रोड्यूस करवाती हूँ हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट से, जो कि है ड्राई फ्रूट ऑयल बाय हेयर एंड केयर। एंड इसके ऊपर आपको मेरा पूरा KYP वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, आप आई बटन में क्लिक करें देख सकते हैं, एंड आपको पूरा डिटेल पता लग जाएगा कि इसे खरीदने का क्या नुकसान है। पहले तो ये प्रोडक्ट मैंने गलती से 300 ml का खरीद लिया था, मैंने इसे 140 का समझ के खरीदा था, जबकि 140 इसकी प्राइस थी, एंड आई डोंट नो मेरा ध्यान कहाँ था इसको खरीदते हुए। एंड जब ये मुझे रिसीव हुआ और मैंने बॉक्स खोला तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया है, सीरियसली मैंने क्या कर दिया है। तो फिर जब 300 ml प्रोडक्ट था एंड मैंने सोचा मैं इसे यूज नहीं करूंगी, चलो ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। तो मैंने इसे संडे को सिर धोने से 2 घंटे पहले लगाया, एंड गाइस ये सिंगल वॉश में वॉश आउट नहीं हुआ, एक बार में ये बिल्कुल भी नहीं निकला। आई मीन ऊपर से तो मतलब क्राउन एरिया से सारा वॉश हो गया, लेकिन कॉर्नर से इसको क्लीन करना इतना मुश्किल है, एज इट हैज सिलिकॉन, तो सिलिकॉन क्लीन करना बहुत मुश्किल है। एंड नेक्स्ट डे मंडे को फिर मैंने दोबारा सर धोया सल्फेट बेस्ड शैम्पू से, एंड ट्रस्ट मी 2 दिनों में मेरे बालों की बैंड बच गई। एंड मेरे अंदर तो अभी मन नहीं है इस प्रोडक्ट को गलती से भी यूज करने की। सो मे बी इस प्रोडक्ट को हम पेंटिंग में यूज कर ले ऑयल्स के साथ मिक्स करके, बट इसे मैं सिर पर तो डेफिनेटली कभी नहीं यूज करने वाली। आई मीन 140 rupees वॉज टोटली वेस्टेज, बट KYP वीडियो मैंने आप तक पहुंचा दिया, वो चीज अच्छी हुई। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे प्रोडक्ट नंबर 2 की तरफ, विच इज अ गार्नियर अल्ट्रा ब्लेंड्स मिथिक ऑलिव ऑयल शैम्पू। एंड यस, दिस शैम्पू इज टोटली सल्फेट बेस्ड, तो जो मैंने यूज किया है इतना वो ड्राई फ्रूट ऑयल को क्लीन करने के लिए ही किया है। तो आप खुद सोच लो उस ऑयल को निकालने में इतना शैम्पू यूज किया मैंने अच्छे से क्लीन आउट करने में। एंड यस, सल्फेट बेस्ड शैम्पू था तो बाल झड़ना लाजमी था, एंड दोनों ने मेरे बालों की जो हालत कर दी, आई एम स्टिल सफरिंग फ्रॉम हेयर फॉल, तो आई डोंट थिंक सो मैं इसे दोबारा अपनी लाइफ में कभी यूज करना चाहूंगी। बट या सल्फेट बेस्ड है तो मैं इससे अपने ब्रशेज और ब्यूटी ब्लेंडर्स और मेकअप मूविंग क्लॉथ जो होते हैं वो क्लीन कर सकती हूँ, वो ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा, तो ये चीज मेरे उसमें काम आ जाएगी। बट अगर आप बालों के लिए कहेंगे तो याद दैट इट वॉज टोटल फेल। और इसका MRP है 245 rupees का, और ये मैंने Amazon से ही खरीदा था आई थिंक 158 rupees में और 159 rupees में, पर मैं दोबारा कभी नहीं खरीदना चाहूंगी इसको। उसके बाद आते हैं हमारे प्रोडक्ट नंबर 3 की तरफ, विच इज बाय वेट एंड वाइल्ड कलर आइकन ग्लिटर। और मेरे हाथ में जो शेड है वो है ब्रास, एंड इसका मुझे MRP याद नहीं है कितना है, बट ये मुझे डिस्काउंट में आई थिंक 103 या 104 rupees की मिली थी, एंड इसे मैंने मिंत्रा से खरीदा था शायद। गाइज आई डोंट नो ये ग्लिटर क्या करती है क्या नहीं करती है, बट मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, ये मैंने ग्लिटर लिया और ये मैंने स्वाइप किया, मुझे बताओ कहाँ नजर आ रही है आपको ग्लिटर। एंड ये ग्लिटर मैं सच बताती हूँ ऐसा लगता है जैसे वैसलीन पेट्रोलियम जली के अंदर स्पार्कल किसी ने मिक्स करके दे दिया लगाने के लिए। एंड सच में जब ये हाथ पे ऐसा कुछ दे रही है तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको अपनी आईज पे लगाती, तो या इट वॉज टोटल अ फेल, 104 rupees वेस्ट हो गए मेरे, इसको खरीदने का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। एंड मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इसे खरीदें या अपना पैसा वेस्ट करें। तो अब मैं वो प्रोडक्ट्स आपसे शेयर करने वाली हूँ जो मुझे PR में आए हैं, लेकिन मुझे उनको यूज करके कोई खुशी नहीं हुई, I mean, PR में भी वो बहुत महंगी चीज मिली है मुझे। सो यस, प्रोडक्ट नंबर 1 इज दिस निविया मिल्क डिलाइट फेस वॉश इन वेरिएंट फाइन ग्राम फ्लोर, विच इज फॉर ऑयली स्किन। एंड इसका MRP है 165 rupees एंड इसका क्वांटिटी है 100 grams, तो इसका KYP भी आपको मिल जाएगा। एंड सही कहूं तो स्टार्टिंग में इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, जब आपने फर्स्ट टाइम यूज करना स्टार्ट किया,
फ्रेग्रेंस वाइज भी अच्छा, स्किन पर भी बहुत जेंटल था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट जैसे जैसे डे बीतते गए, हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, तो इसने स्किन को एकदम से ड्राई आउट करना स्टार्ट कर दिया। एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होती है ऐसी चीजों को लेकर। एंड ब्रेकआउट स्टार्ट हो गए आने, तो फिर थोड़े वक्त के लिए मैंने इसको रोक दिया, इसे यूज नहीं किया। एंड कुछ वक्त बाद फिर से स्टार्ट किया, तो फिर से ब्रेकआउट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। यही एक रीजन है इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट और इसका ऑन ऑफ होता हुआ काम, जिसके लिए कि ये मेरी रिग्रेट बाइंग लिस्ट में है। जो लास्ट प्रोडक्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो भी मुझे पीआर में रिसीव हुआ है, एंड दिस वन इज बाय रूप मंत्रा, एंड दिस इज अ सनस्क्रीन लोशन विद SPF 50 UVA ब्लॉकर। 100 ml का क्वांटिटी है, 136 का प्राइस है। फर्स्ट थिंग कि मैंने इसे जब यूज़ किया मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। फर्स्ट टाइम मैंने इसे अप्लाई किया अपने फेस पे एंड इट स्टार्ट बर्निंग, इतनी बुरी तरह से मेरी स्किन जो है यहाँ यहाँ से बर्न होना स्टार्ट हो गई, इवन रेड हो गई। और मैंने जैसे ही इसको लगाया विद इन 2 और 3 सेकेंड्स फटाफट इसको वॉश आउट किया किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे फेस पे किसी तरह के मार्क रह जाएं। अगर मैं एक सनस्क्रीन पर इन्वेस्ट करूंगी, चाहे वो SPF 30 हो या 50 हो, तो आई वॉन्ट माई सनस्क्रीन डबल ड्यूटी यार। मुझे हमेशा चाहिए होगा कि UVB ब्लॉकर भी हो उसमें एंड PA++ के साथ भी आए। तो 136 की प्राइस में मुझे काफ़ी सेफ इंग्रेडिएंट्स वाला और अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है, पर और अच्छे काम के साथ, PA++ UVB ब्लॉकर के साथ, तो मेरे लिए ये भी रिग्रेट बाइंग लिस्ट में ही रहेगा। सो यस, ये थे हमारे आज के प्रोडक्ट जो कि मैंने खरीदे, और कहा जाए तो यूज करना मेरे लिए वेस्ट था, इन चीजों ने मुझे कोई फायदा नहीं दिया। बट जो मेजर इन्फॉर्मेशन थी KYP से रिलेटेड, वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई, वो ज़्यादा ज़रूरी थी ताकि आप लोग भी अवेयर हों इन चीज़ों को खरीदने से पहले, जाने के ये चीज़ें हैं क्या, ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमारे लिए सेफ है भी या नहीं। सो या दिस वॉज माई वीडियो। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर देना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं आजकल रोज अपलोड कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को हिट कर दे, IG फैम को जरूर ज्वाइन कर ले, जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपसे वहां पे शेयर कर दूंगी। आई विल कैच यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।